फ्रेंड्स, जो लोग कम्युनिटी में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और बिगिनर्स हैं, उनके लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो। सबसे पहले आप कम्युनिटी के अंदर सिल्वर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। सिल्वर माइक्रो बहुत ही कम अमाउंट में स्टार्ट हो जाता है, तो आइए शुरू करते तो हैं। गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिल्वर माइक्रो के अंदर आप इजीली कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं और शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात सिल्वर माइक्रो के साथ ये है कि इसमें एक तो मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं लगता। सिल्वर माइक्रो के अंदर जो मार्जिन है वो बहुत ही कम, यानी कि 2-2 हज़ार के अंदर एक लॉट हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मार्जिन लगता है। तो ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर जो है उसके अंदर कमोडिटी वाला कैलकुलेटर अगर हम ओपन करें तो यहाँ आप देखेंगे, इस जगह हम डाल देते हैं सिल्वर माइक्रो। सिल्वर माइक्रो, जी हाँ, सिल्वर माइक्रो ये हो गया। सिल्वर माइक्रो का मतलब है कि आप एक लॉट बाई कर रहे हैं, इसका मतलब 1 kg आप सिल्वर बाई कर रहे हैं। प्राइस अभी ये चल रहा है, और नॉर्मल में यानी कि आप होल्ड अगर करना चाहते हैं तो लगभग 5,287 रुपये आपको चाहिए, और अगर आप MIS में यानी इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 2,643 रुपये की सिर्फ रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट है, और आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं कमोडिटी के अंदर वो भी सिल्वर माइक्रो के साथ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हुई ये। दूसरी चीज़ कि अगर हम इसमें ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, कितना मूवमेंट पे। तो इसका जो मूवमेंट है वो बड़ा ही क्लियर रहता है। इसमें जितने पॉइंट्स आप ले लेते हैं उतने ही रुपये आपको मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे 10 पॉइंट लेंगे तो 10 रुपये मिलेंगे आपको, अगर आपने 50 पॉइंट ले ली तो 50 रुपये मिलेंगे। जैसे अगर हम आज का इसका लो और हाई देखें सिल्वर माइक्रो का, सबसे पहले मैं आपको ये डिलीट करके पहले बता देता हूँ कि किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें लगाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है SILVER, सिल्वर MIC। जब सिल्वर MIC आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे जून, अगस्त और नवंबर के फ्यूचर आ रहे हैं। तो ये जो फ्यूचर्स आ रहे हैं इसमें लेटेस्ट वाला जो फ्यूचर है, यानी सबसे नियर बाई जो फ्यूचर है वो जून का चल रहा है। इस पर आप प्लस पे यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगा सिल्वर माइक्रो का जून का फ्यूचर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चार्ट ओपन हो जाएगा, जिस तरीके से ये चार्ट हमने लगा रखा है। और इसका चार्ट ओपन करने के बाद नीचे हमने यहाँ पे वॉल्यूम का भी लगा रखा है इसमें स्टडी, जिससे कि आइडिया होता रहे कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट किस तरीके से देता है सिल्वर। अब देखें कल का अगर आप चार्ट यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ जिससे कि ये सेम फ्रेम के अंदर दिखने लगे। तो देखिए यहाँ पर कल की जो इसने मूवमेंट दी थी, कल ये ओपन हुआ था लगभग 42,450 के आसपास, और हाई जो इसने बनाया था वो बनाया था 43,670 का। यानी कि एक दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, लगभग 1,200 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में आया है। अब इस 1,200 पॉइंट में से आप कितने पॉइंट ले सकते हैं ये तो आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन आज हम आपको इतने आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि अगर आप एक न्यूबी हैं तो किस तरह से इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि छोटा अमाउंट है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट इसके अंदर है नहीं। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कितना अमाउंट लगता है, कि वो एग्जैक्टली सही लिखा है कि नहीं। यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर बाई करके बताऊँगा, यहाँ पर हमने बाई किया ये नॉर्मली, यानी कि आपको होल्ड करने के लिए 1 मंथ के लिए, और MIS का मतलब इंट्राडे। तो ये MIS दिख रहा है, यहाँ पर मैं लिमिट प्राइस लगा देता हूँ। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 43,844 और 40 के बीच में घूम रहा है। तो यहाँ पर मैं बाइंग प्राइस अभी आपको सिर्फ लगा के दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 805 का यहाँ पर बाइंग लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैंने बाई ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इधर लिखा रहा है बाई सिल्वर माइक्रो जून फ्यूचर इज प्लेस्ड, चेक ऑर्डर बुक फॉर स्टेटस। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बुक पे क्लिक किया और देखिए ये ऑर्डर प्लेस है, बाई ऑर्डर है और ये ओपन है। यहाँ दिखा रहा है कि प्राइस चल रहा है 842 पे चल रहा है, 855 पे चल रहा है, और मैंने जो प्राइस लगाया वो 805 पे लगाया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें कितना प्रीमियम कंज्यूम हो रहा है। तो देखिए कमोडिटी में जब आप देखेंगे तो सिर्फ 2,960 रुपये, 2,956 रुपये कंज्यूम हो रहे हैं। ये मैंने सैम्पल ट्रेड आपको करके दिखाया है, और अभी मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ इतने से अमाउंट से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 3,500 के अमाउंट हमने डाला है। ये सैम्पल है जिससे कि आपको दिखा सकें किस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें ऑर्डर कब लगाना है और कब का हमें इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, आज इसने जो ओपनिंग दी थी, अगर हम डे चार्ट इसका देख लेते हैं, आज की जो इसकी ओपनिंग थी, यहाँ आप देख सकते हो ओपनिंग दी थी इसने 43,696 पे, ऑलमोस्ट 43,700 पे इसकी ओपनिंग थी। ओपनिंग देने के बाद ये नीचे आया, और इसने देखिए आपको शुरू में ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ी देर वेट करना है, कम से कम आधे घंटे तक इसे सेटल होने देना है। 9 बजे मार्केट कमोडिटी का ओपन हो जाता है, जब आधा घंटा हो जाए उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी इसका हाई और लो बनता है उस पर आपको नज़र रखनी है, आधे घंटे के हाई लो पर नज़र रखनी है।
जैसे इसका यहाँ पर लो टूटा, जैसे अब यहाँ पर ये जो लो बन रहा था ये इसका 622 पे बन रहा था, तो 622 यहाँ से जैसे ही टूटेगा आप ऑर्डर लगा के रखेंगे पहले से ही, और किस तरीके से ऑर्डर लगा के रखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ से मैंने ऑर्डर बुक कैंसिल किया, यहाँ से ये मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो मुझे चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे जो भी दिखेगा कि मुझे ऑर्डर लगाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरा लो था, जैसे यहाँ से मैं देखूँ आज का मेरा डेली चार्ट 621 पे लो है, अगर मुझे यहाँ से सेल या बाई, देखिए जो अमाउंट अभी आप बताया है यानी कि 2,500 से 3,000, इस अमाउंट में आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो अगर 621 पे अभी ये चल रहा है, जैसे इसको ब्रेक करेगा यानी कि 621 को तोड़ेगा नीचे की साइड में, तो मैं सेल करूँगा, और ऊपर की साइड में अगर यहाँ से ये 800 का जो हाई है वो तोड़ेगा तो मैं बाई करूँगा। अब मैं ऑर्डर कैसे प्लेस करूँगा, यहाँ पर मैंने अगर सेल किया होता 620 का, 621 का ये लो था, तो ये मैंने अगर सेल किया होता, देखिए यहाँ पर जो नया लो इसने बनाया था वो 510 का बनाया था, यानी कि लगभग 110 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए थे। फिर मैंने यहाँ देखा अगर मैं 800 से ऊपर बाई करूँगा, ये मैंने सुबह ही देख लिया है, डे हाई से अगर मैं ऊपर बाई करता हूँ तो यानी कि 800 के ऊपर बाई है, तो देखिए यहाँ पर 92 पॉइंट मिल चुके हैं अभी तक। अब कितने पॉइंट्स हमें लेने हैं और क्या वो सफिशियंट हैं कि नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ये तो रही आज की बात। अभी जैसे इस वक्त अगर मैं देखूँ कि मुझे यहाँ से ऑर्डर कितने पर लगाना है, तो क्योंकि अब जो नया डे हाई है वो 892 है, तो मैं यहाँ से बाई ऑर्डर लगाऊंगा और वो लगाऊंगा स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस यानी ट्रिगर प्राइस मेरा रहेगा 892 का, 892 का मेरा ट्रिगर प्राइस रहेगा। अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे बाई करना है, 892 पे मैं लगा दूंगा, और यहाँ पे 892 के बाद 93 लगा सकता हूँ मैं बाई प्राइस, ये प्राइस मैंने लगा दिया है, और यहाँ से मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, जब भी 892 को ट्रिगर करेगा तो मेरा ऑर्डर 93 पे प्लेस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी ऑर्डर टाइप है, बाकी जैसे जैसे अगले वीडियोज़ आएंगे तो इनमें कॉम्प्लेक्सिटी जो भी होती है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये देखिए बाय ऑर्डर प्लेस हो गया है, यहाँ पर दिखा रहा है, और ऑर्डर्स में जाके हम देख लेते हैं। ये ट्रिगर ऑर्डर प्लेस हो गया है, 92 पे प्लेस हुआ है, बाद में ट्रिगर है, और 93 पे ये ऑर्डर है, इस वक्त चल रहा है 865। तो ये तो हो गया ऑर्डर पुट करने का तरीका। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या ये कितने पॉइंट्स हमें दे सकता है और उससे हमें कितने रुपये मिलने वाले हैं, क्योंकि आज का जो डे हाई है इसका 892 है, तो यहाँ से हम कितना अमाउंट यहाँ से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखिए सुबह का जो इसने टारगेट दिया था वो लगभग 100 पॉइंट का दिया था, और अभी भी जो इसने जो हाई बनाया है वो लगभग 92 पॉइंट का तो ये दे चुका है। अब देखिए 92 पॉइंट का अगर मान ली इसने दिया है अमाउंट, तो यहाँ से हम एक और टैब में हम ओपन कर लेते हैं कि ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, यानी कि कितनी ब्रोकरेज हमें लगेगी वो हम चेक कर लेते हैं, अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो कितनी ब्रोकरेज लगेगी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना चाहिए, ब्रोकरेज तो निकलनी ही चाहिए और उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ से हमने ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन किया है, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं कमोडिटीज़ पे। अब यहाँ पे जो एल्युमिनियम लिखा हुआ है इसमें हम लिख देंगे सिल्वर माइक्रो, सिल्वर माइक्रो ये आ चुका है। मान लीजिए मैंने 43,800 पे बाइंग की है, और मैंने लिए मान लीजिए 100 पॉइंट यानी कि 43,900, सिर्फ एक क्वांटिटी ली है, तो यहाँ आप देख रहे हैं टोटल टैक्सेस वगैरह मिला करके मेरे 38 रुपये लग रहे हैं, 38 रुपीज़ यहाँ से लग रहे हैं। इसी में अगर मैं देखूँ ब्रोकरेज लग रही है मेरी 26 रुपये। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा गेम है कि अगर आप एक लॉट पे काम करते हैं तो आपकी 38 रुपये ब्रोकरेज लग रही है, टोटल ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस। अगर यहाँ से मैं लॉट साइज़ बढ़ा देता हूँ, अभी 38 है, मैंने अगर दो क्वांटिटी कर दी तो आप देखते हैं कि 38 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 61 ही हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज यहाँ पर लिमिटेड हो गई है, 40 रुपीज़ ही हो गई है। एक्चुअली 40 रुपीज़ से ज़्यादा आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, ये अपर कैप है ज़ीरोधा के अंदर, तो यहाँ ये बेनिफिट है। अगर यहाँ पे आप 5 लॉट में काम करना शुरू कर देते हैं तो ब्रोकरेज आपकी स्टिल 40 रुपये ही लगेगी, और सिर्फ 43 रुपये में आपको टोटल टैक्सेस मिला करके सारा काम हो जाएगा, यानी कि अगर आप 5 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 16-17 रुपये पर लॉट आपको पड़ता है। तो अगर कोई बंदा 5 लॉट में काम करना चाहता है तो सिर्फ 83 रुपये के ब्रोकरेज के साथ, और देखिए लगभग 400 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं आप हर 100 रुपये के मूवमेंट पे। और 5 लॉट लेने में ये भी फायदा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक लॉट अभी निकालना है, 2 लॉट बाद में निकालना है, तो वो भी काम ये कर सकते हैं। तो 5 लॉट में आप सिर्फ 80-85 रुपये की ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस मिला करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो 100 रुपये भी अगर आप निकाल लेते हैं तो 500-400 रुपये डेली के आप निकाल सकते हैं इजीली। तो ये तो रही ब्रोकरेज की बात, और अब हम बात करते हैं कि ये 100 रुपये निकालना आसान है या फिर इससे भी प्लस माइनस कुछ और भी हो सकता है। तो देखिए पहले मैं आज आज के बारे में बताऊंगा। आज यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट लगभग आपको यहाँ मिले,
और यहाँ से अगर आप हाई के लिए देखते हैं तो हाई में भी आपको 92 पॉइंट्स मिले। अब हम रहेंगे सेफ साइड, यानी कि 92 यहाँ पर लेके चलेंगे, इससे भी कम ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो ब्रोकरेज लग रही है 5 लॉट जब आप ले रहे हैं तो ब्रोकरेज आपको सिर्फ लग रही है 16 से 17 रुपये पर लॉट, यानी कि आपको अगर 50 रुपये का प्रॉफिट भी पर लॉट हो रहा है तो वहाँ भी आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ से अब आप कभी भी देख लीजिए, ये तो हम पिछले कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं कि जब भी आप डे लो और डे हाई ब्रेक होने के बाद बाई करते हैं तो 50 या 60, मतलब 70 पॉइंट्स तक तो इजीली ये दे ही देता है। अब हम देख लेते हैं कल के बारे में, कल में क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर शुरू का हमने लगभग आधा घंटा यहाँ से छोड़ दिया, फिर ये इसने ब्रेकआउट यहाँ से दिया है 530 के आसपास, 530 नहीं बल्कि इसको अगर मैं जूम कर लेता हूँ तो क्लियरली और विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे इसने देखिए ब्रेकआउट दिया था 525 पे, 525 से ब्रेकआउट देने के बाद इसने 565 दिया है। आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी होगी अगर आप एसएल से बचना चाहते हैं, कि जो यहाँ वॉल्यूम आ रहा है इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर जो हाई इसने बनाया था वो कम वॉल्यूम के साथ बनाया था, लेकिन यहाँ जो लो इसने बनाया वो हाई वॉल्यूम के साथ बनाया। तो जब वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं तो यानी कि आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है सेल का। तो यहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन मिला, 444 को इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद नीचे जो इसने बनाया वो 264 बल्कि 260 का बनाया। तो यहाँ आपको लगभग 150 से 200 पॉइंट यहाँ पर मिल गए, तो वो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आप दिन के आगे आगे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ, आगे आप देखिए कि पूरे दिन में जब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया इस जगह पे, फिर आगे काफ़ी बड़ा मूवमेंट भी दिया है, तो ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 80 से 100 पॉइंट तो आप इजीली इसमें निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको डे हाई और डे लो देखना है, यानी बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, और आप 80 पॉइंट के आसपास, 70-80 पॉइंट तो ईजिली पर डे निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 80-100 पॉइंट से होना क्या है। देखिए 80-100 पॉइंट से अगर आप 5 लॉट में काम कर लेते हैं तो आपको 5 लॉट में 80 पॉइंट भी अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 43,880 अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, तो डेली के आपको देखिए 880 यहाँ पर मैं जब करता हूँ तो 300 रुपये के लगभग बन रहे हैं। डेली के 300 रुपये कोई बुरे नहीं हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगा है ये भी हम जान लेते हैं। अगर आप 5 लॉट में काम कर रहे हैं तो 1 लॉट में आपका जो अमाउंट लगता है कमोडिटी के अंदर, सिल्वर माइक्रो के अंदर, वो लग रहा है लगभग 2,500 के आसपास, यानी कि 5 लॉट में आपका 12,000 से 15,000 के आसपास अमाउंट लगेगा। तो वो डेली इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो लगभग 2% पर डे का आपको अमाउंट मिलता जाएगा। अगर आपने 20 दिन भी अगर आपको ट्रेड करना है, 20 में से मान लीजिए आपके 4-5 दिन अगर आप लॉस में भी चले जाते हैं तो फिर भी आप 15 दिन आप प्रॉफिट में रहेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका ठीक ठाक सा रिटर्न निकल के आ जाएगा। मंथ में अगर 15% का या 20% का रिटर्न निकल के आता है तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट बन सकता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कमोडिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे मार्जिन से स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 या 15 हज़ार के अमाउंट से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और जो और एकदम शुरुआत करना चाहते हैं वो सिर्फ 5 हज़ार का अमाउंट रखें और सिर्फ 1 लॉट में काम करें और 100 पॉइंट या फिर 80 पॉइंट लेते रहें, तो शुरुआत में आप क्या है सीखने लगेंगे। जैसे जैसे आप सीखना शुरू कर देंगे तो सीखते सीखते आपको कुछ चीज़ें आने लगेंगी, और आप 50 पॉइंट से ज़्यादा फिर 100 पॉइंट, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट भी लेना शुरू कर देंगे। अब मान लीजिए आपने सिर्फ 100 पॉइंट ही लेना शुरू किया या 50 पॉइंट ही लेना शुरू किया, तो ये तो अभी हम सीखने के लिए देख रहे हैं सिल्वर माइक्रो से। अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं इसके बड़े लॉट पे, अगर सिल्वर मिनी पे, तो सिल्वर मिनी का जो लॉट है वो इसके टोटल 5 टाइम्स हो जाता है, यानी अगर यहाँ 1 रुपये पे 1 रुपये मिलता है तो सिल्वर मिनी के अंदर 1 रुपये पे 5 रुपये मिलते हैं। तो अगर आपने देखिए चार्ट लगभग सिमिलर सही है, तो 50 रुपये आपने अगर लेना शुरू कर दिया, सीख लिया आपने सिल्वर माइक्रो के अंदर, तो उसके बाद आप सिल्वर मिनी में भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप 50 रुपये मिल रहे थे वो वहाँ पर आपको 250 रुपये मिल लेंगे, ऑल दो वहाँ पर थोड़ा ब्रोकरेज भी बढ़ जाएगी बट आप वहाँ से भी कमाना सीख जाएंगे। तो आप शुरुआत करने के लिए सिल्वर माइक्रो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए कमोडिटी में एंटर करने के लिए। सिर्फ 2,500 2,600 रुपये में 1 लॉट हो रहा है, आप 5,000 का अमाउंट इसके अंदर रखें और 1 लॉट से स्टार्टिंग कर दें, और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, चाहे भले ही वो 50 रुपये के लिए हो या 70 रुपये के लिए या फिर 100 रुपये के लिए हो, एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए फिर आप जो अपना लॉट साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं, 1 लॉट से 5 लॉट कर सकते हैं, और फिर आप धीरे धीरे फिर आप सिल्वर मिनी में भी एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी राय आप सभी लोगों के लिए, जो लोग कमोडिटी में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली वो जीरोधा के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट है वो 2 लॉट या 3 लॉट या 5 लॉट में काम करने में सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि वो ब्रोकरेज जो है वो कैपिंग है, उसके अंदर 40 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज लग नहीं सकती है, तो यहाँ पर आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं सिल्वर माइक्रो में कैसे काम करना है ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख के हमें बताइएगा कि क्या आप इसमें 50 पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या 2 लॉट के अंदर 50 पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप इसमें ज़रूर एक बार ट्रेड करके देखिएगा, सिर्फ आपको फंड सेट करने हैं 5,000 के, और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि
कमोडिटी से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं जिनमें कि हम और अच्छी अच्छी आपको टेक्निक्स बताएंगे। सिल्वर माइक्रो के अलावा और किस किस चीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं कम अमाउंट में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो लोग कमोडिटी में अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।